आप फरमाते ने मैं तवाफे काबा कर रहा सा, तवाफे काबा करदिया करदिया मैं अपने अगे एक नौजवान वेखिया जेड़ा तलबीर नहीं पढ़दा, तस्बीहात नहीं पढ़दा, बल्कि जिथे खलोंदा दुरूद पढ़दा, काबतुल्लाह दा तवाफ करदा ते दुरूद पढ़ रहा है, मकामे इब्राहिम ताया आया ते दुरूद पढ़ रहा है, जिथे ओनु खड़ा वेखिया है दुरूद ही पढ़ते हैं वेखे है। आप फरमाते ने मैं बड़ा हैरान होया, मैं उस नौजवान नु मुखातिब करके आख्या बच्चिया ऐ ओ जगह है कि जिथे लोकी दुआवां पढ़दे ने, लोकी तजावा करदे ने, लेकिन तू मुसलसल दुरूद पढ़ना है, मैं जिथे वेख रहा तू मुसलसल दुरूद पढ़ना, जरा तवज्जो फरमाना। नौजवान कहता जी तुहाडा तारफ की है, आपने फरमाया मेरा नाम फकीर दा नाम सुफियान सौरी है, क्योंकि आपका नाम बड़ा मशहूर सी, बहुत बड़े अल्लाह दे वली सन। वो बच्चा समझ गया, कह लगा तुसी ते बहुत बड़े अल्लाह दे वली हो, मैं किसे नु राज नहीं सी दसना, लेकिन अज तुहानु मैं राज दसना वा। आपने फरमाया की मामला है? बच्चा कहता मैं अपने वालिद दे नाल तवाफे काबा करने वास्ते, हज करने वास्ते सफर कर रहा सा, पैदल सफर सी, जंगल तरसता सी, एन जंगल दे विच अचानक मेरे बाप दा विसाल हो गया, मेरे वालिदे गिरामी फौत हो गए। जिदो मेरे वालिदे गिरामी फौत होए ते मैं वेख्या उन्हां दा चेहरा बिल्कुल स्याह हो चुकिया है, हालांकि रंग उन्हां दा सफेद सी, लेकिन फौत होने तो बाद अचानक रंग दी तब्दीली ये हुई कि सफेद तो बाद स्याह रंग। मैं बड़ा परेशान होया, अगे पीछे नजर की थी कोई बंदा मदद वास्ते मिल जाए ताकि मैं अपने बाप दे कफन दफन दा कोई मामला कर सका, लेकिन मैनू कोई चीज नहीं मिली, कोई बंदा नहीं मिलया। मैं परेशानी के आलम अंदर बैठ गया और सोच रहा कि की करांगा, कह लगा बैठे मैनू गुनूदगी आई, अचानक मैं देखिया चंद सवार उतरे, चंद सवार उतरे, उन्हां विचों एक दा चेहरा सूरज की तरह रोशन, अगे पीछे गुलाम ने नूरानी चेहरे ने इस वक्त थल्ले उतरे ना ते मेरे करीब आए, मेरे वालिद के चेहरे तो कपड़ा हटाया, अपना बरकत वाला हाथ होना मेरे बाप के चेहरे से फेरिया, मेरे बाप का चेहरा चौदहवीं के जानवर का रोशन हो गया, चेहरा रोशन हो गया। ते जिस वक्त उन्हें बड़ी जल्दी मिलके कबर दा बंदोबस्त किया, मेरे बाप नु जनाजा और दफन सारा मामला किया, जिस वक्त जान लगे ना ते मैं कदम फड़ के इस गिनती सुने कर्म किया जे फजल इतना इतनी मुश्किल के अंदर मेरे ते कर्म किया जे इतनी मेहरबानी की जे दसो तो सही ना तुसी है कौन हो, दसो तो सही ना तुसी है कौन हो। ते ओ बोले हैं ते इंज बोले किस तरह मुंह तो फुल पे गिरदे ने, फरमांदे ने आना नबी जो का मोहम्मद, मैं तेरा नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तेरा बाप अगर च गुनागार सी, तवज्जो करया जे, कह लगे तेरा बाप अगर च गुनागार सी लेकिन एदी एक आदत सी, ए उठदा बैंदा लेटदा चलदा फिरदा, रात होवे या दिन होवे, दोपहर होवे या सुबह होवे, ए हर वक्त साडे ज़ात ते दुरूद पढ़दा रहिंदा सी। इस वास्ते साडा गुलाम होवे, साडे नाल प्यार करने वाला होवे, ते इस तरह मुश्किल बन जाए ते फिर असीं इन्हीं मुश्किलां दूर करने आ। नौजवान कहना जी ओ वाकया होया, उस तो बाद मेरी जिंदगी का वजीफा ही दरूद है,
मेरी जिंदगी दा वजीफे दुरूद है। मैं हर वक्त दुरूद पढ़ता रहना वा और ऐसे दुरूद की वजह तो रब ताला ने मुनु बढ़िया रहमतां ते बढ़िया बरकतां ते नाल नवाजे है। अल्लाह ताला अपने हबीब ते कसरत ना दुरूद पढ़ने दी तौफीक अता फरमाए। कह दो आमीन। अल्लाह ताला हुजूर दे जात ते दुरूद पढ़ने दी बरकत दे नाल मरहूमीन दी बख्शिश फरमाए।